नहीं तो जो है इंडियन आर्मी से जो है एक बंदा जो है तीन तीन चार चार बार पांच बार तक जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर जो है ना असम रेफरेंस में आता है नहीं आता है बोल जो असम रेफरेंस जो है जो जवान है जो जेसियोज है वो एक ऐसा है जैसा बॉयलर मुर्गा है क्या बॉयलर मुर्गा उसको छोड़ दो वो जो है कहीं नहीं भागेगा उसको जब मर्जी उसकी गर्दन काट दो इस प्रकार की सिचुएशन आज हमारे असम रेफरेंस में हो चुकी है और ये संगठन की जो है बहुत बड़ी ताकत है और हम इसके प्रति जो है हम लड़ेंगे हमारे जो आज 82 इयर्स के जो हमारे बीती नायक साहब है जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्होंने आज उस बच्चे के पेट पे जो है लात मारा जा रहा है। आप लोगों को भाइयों मातृशक्तियों को डरने की जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन राष्ट्रपति भी बंद नहीं कर सकता है। इसमें जो है आज हम सबको एकता होना बहुत जरूरी और इस बात पर जो है हम आगे जो है विचार विमर्श कर रहे हैं और आप लोगों का जो है सहयोग और हमारे पीछे जो है चलना आप सबका काम है क्योंकि जो हमारे जो बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं वैसे भी जो है असम राइफल्स में अभी जो हमारा उत्तराखंड का जो कोटा था वो बहुत कम कर दिया गया है जबकि सबसे ज्यादा जो है कभी हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो है बच्चे असम राइफल्स में पाए जाते थे। तो पूरा देश जो है हमारा जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं हमने उनके प्रति चाहे वो यूपी हो बंगाल हो असम हो नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम और चाहे वो राजनेताओं के बीच और शोषण हो रहा हमारे जवानों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप मुझसे परिचित होंगे तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सब लोग मुझे जानते होंगे। आवाज थी गाड़ी मेरी समझ में आ जाएगी मैं बहुत तेज बोलता हूँ माफ करना है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने असम राइफल के प्रति अपने नमक की वफादारी जो दिखाई है ना उससे दिल मेरा गदगद हो गया और मेरा शीर्ष नेतृत्व जो देख रहा होगा जो देखेगा मैं यूट्यूब के माध्यम से उनको अवगत कराऊंगा यहाँ पर आने का उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा मुझे क्यों यहाँ भेजा गया है। तो जब वो देखेंगे उन्हें भी खुशी होगी कि नहीं हमारे लोग जागरूक हैं सिर्फ गलती हमारी थी शीर्ष नेतृत्व की हम लोग समय पर वहां से संपर्क नहीं कर पाए क्या थी और आज क्या बनने जा रही है उसके दोषी वो लोग नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं उसके दोषी हम लोग हैं। कहते हैं ना हमारे हर जगह किस्सा ही है जब तक बच्चा रोता नहीं मां दूध नहीं पिलाती। हम कभी रोए ही नहीं हमने कभी अपना अधिकार मांगा ही नहीं तभी कोई दो चार जाबाज खड़े हो गए अपना अधिकार मांगने के लिए लेकिन हम जैसे उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उसको नीचे गिरा दिया। 80 के दशक में मैं उसमें भर्ती नहीं हुआ था एक हैंगर स्ट्राइक की थी काफी लोग हमारे उसमें शामिल रहे होंगे साहब लोग थे तो वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ। कोई अर्जुन का अपार्टमेंट था उसने चुगली मारी मेरे पोर्टल का साइबर जैसे तो ऐसा कर रहा है साइबर हमला ये कर रहा है कलर के ये कर रहा है जीडी का फलाना साहब ये कर रहा है उसको नीचे गिरा दिया और सबने पकड़ा कितनों को घर भेज दिया कितनों को जेल किया हुआ वहां खिला दी कितनों को सूखा कर लिया और कुछ भाग्यवान जो थे जो उसका नाम के तेज थे वो दोबारा लड़के वापस नौकरी करी है। तो गलती किसकी है गलती हमारी है ना। असम राइफल का इतिहास असम राइफल के फैक्ट्री में लगवा देगा लेकिन वो डीसी क्या लगाएगा जिसने असम राइफल के शहीद का एक बेटा भर्ती नहीं कर पाया शिलोंग में बुला के डेढ़ महीना उसको शिलोंग के चक्कर कटवाए उसके बाद राइफलमैन अपने ये डॉक्टर के रहने वाले राइफलमैन राम कुमार आजा के लड़के को 7 लोग हुए ओवरहेड हो गया बोल के उसको घर भेज दिया। मतलब है इनको असम राइफल से क्या मतलब है ये तो सिर्फ जैसे अभी नौजवान साहब ने कहा तो चूसने आए हैं सोने का अन्ना हम ले जाएंगे बाकी तुम मुर्गो हो तुम पड़े रहो जैसे पढ़ते हो कहते भी हैं आप लोगों ने सबने सुना हुआ था तेरी असम राइफल से मेरे को क्या मेरा फर्ज है उसका फर्ज है कि हमें क्या मिलना चाहिए हमारा रख रखाव क्या है हमारा क्या खान पान है वो दिलाना चाहिए नहीं दिलाना चाहिए ना कि हमारा सेना मेडल भी छोड़ देना चाहिए
ये हमसे चोरी करते हैं। असम राइफल में आके ये अपने मेडलों के हमारे मेडल को चोरी करके ले जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में कोई ऑफिसर एनएमजी लेके नहीं जाता है, उसमें असम राइफल का ही सिपाही जाता है। तो जीजो सा होता है, चाहे वारंट ऑफिसर होता है, चाहे हवलदार होता है, चाहे सिपाही होता है, वो असम राइफल का होता है जो क्विंच बोर्ड में लेके जाता है, वो आर्मी वाला नहीं जाता है। देखिए सेना मेडल इनको दिया जाएगा, हमारे असम राइफल वाले को दिया जाएगा पुलिस मेडल। अरे बड़ी अजीब विडंबना है, इस बात को न सरकार देख रही है, न सरकार को मतलब नहीं है, सरकार को मतलब भी नहीं। वो पांच साल के लिए आते हैं, वो अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। देखिए सरकार को बताने का फर्ज किसका है, वो हमारे कमांडर होगा, चाहे जैसे मेरे प्लाटून का मुझे कोई परेशानी है, मेरे प्लाटून में कमांडर का काम बनता है कि कंपनी कमांडर तक पहुंचाना, कंपनी कमांडर का काम बनता है सीओ तक पहुंचाना, वही हार है वहां पर। अगर सीओ ने कोई जवान की कोई समस्या आगे रखी है, बीच तक पहुंचाई की है, तो उसके असम राइफल की सारी सुविधा को देके आगे मंत्रालय पहुंचाना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, ये कब से शुरू हुआ, जब हमारे भगवान कहे जाने वाले पहले हमारे डीजी साहब सुशील कुमार साहब आए, सुशील कुमार साहब, उन्होंने असम राइफल के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी, असम राइफल की बदकिस्मती को शॉर्ट टाइम में वापस करे, जो उनके सपने थे वो अधूरे रहे, और असम राइफल का भला नहीं हो सका। उसके बाद आने वाला डीजी जो भी था 1980 के दशक में जो आया था पहला पीए मैंने था, मुझे पता नहीं कि डेट में आया था, उन्होंने डीजीआर में एक ऐसी पुस्तक खोली है जो कि ये लिखा गया है, मेरे ख्याल से ये मेरा अंदाजा बोलता है कि जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पर डीजी बन के आएगा वो अपने कार्यकाल में असम राइफल को इतना इसका स्तर नीचे गिरा के जाएगा। अगर ये नहीं किया तो हर डीजी ऐसे काम क्यों करता है कि असम राइफल का स्तर नीचे गिरते 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 आज पुलिस में मोर्चा करने की बात आ रही है। सबसे पहले इन हमारा टीपी की बंद कर दिया, एसी की सप्लाई बंद कर दी, जो ऑर्डिनेंस की सप्लाई आती वो बंद कर दी, उसके बाद हमने हमारी ड्रेस चेंज करा दी, ग्रीन ड्रेस उतरवा दी, उसका एंगल शर्ट उतरवा दी, पहले हमारा 5 रुपए का फर्क था वो साहब जो होने थे 5 रुपए का फर्क था, और आज रिटायरमेंट के बाद एक सिपाही का हड़ताल के बीच में जो ड्यूरेशन में आर्मी और हमारा 10,000 का पेंशन में फर्क है, 10,000 का पूरा फर्क, तो इसको कौन देखेगा। ये काम है डीजी का, डीजी का ये काम नहीं है कि इसको पुलिस में मर्ज कराना, अगर पुलिस में मर्ज कराना है तो हमको पूरी तरीके से पुलिस में डाले, और तुम यहां क्या लड्डू खाने आते हो, किसको तुम कितना पैसा लेके आते हो, क्यों आते हो। पुलिस में हिंदुस्तान में पैसों की कमी है कि आईपीएस की कमी है क्या, आईएसओ की कमी के वो हमें कंट्रोल करेंगे, उनके आधार पर हम नौकरी करेंगे, हमारी 60 साल की नौकरी है, तुम गए तो नेपाल में जाकर कहता था कि तुम्हें गवर्नमेंट के वहां पैसे नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी तो 60 साल की नौकरी है। लेकिन वो डीजी ने अपने कभी इंटरव्यू से ये आकलन नहीं मांगा कि तुम्हारे जवान इस एज में इस सर्विस को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उसको क्यों इसमें कमाने की जरूरत है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है ना, क्योंकि गलती हमारी है, हम अपने स्वार्थ के लिए उसको सब कुछ सिखा रहे हैं। हमारे बीच में कुशाई करता है, मैं सिग्नल का हूं, टू क्लब का है, ये लेफ्टिनेंट राइटर है, पहले था जब, अब ये जीडी का है, ये फलाना ट्रेड का है, तो हम तो आपस में टूटे हुए हैं, किसी को पता है सबको, तो दिमाग खपाएगा वो दिमाग खपा रहा है तो अपना आगे फ्यूचर का ही मैं गवर्नर बनूं, वो दिमाग खराब है खबर है वहां की मैं पीएचडी वहां से हासिल करूं, वो दिमाग ये खबर है कि कल के दिन असम राइफल से रिटायर होकर चला जाऊंगा वहां पर अपनी आईएसी का दूसरा अड्डा ढूंढू। आर्मी ऑफिसर ने टोटल मिला के असम राइफल को आईएसी का अड्डा बनाया था। कर रहे डीजी हमारे अरेवा के लिए एक स्लाइड की प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन डेली होती है, लोगों में ब्रीफिंग होती है कि आज नायब क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी इलाके में कोर्ट में क्या हो रहा है, जबकि अफसोस की बात हंसी वाली बात बता रहा हूँ, कोर्ट में केस अलावा पिछले हेयरिंग में था, पिछले हेयरिंग में दिल्ली से शिलोंग से हमारा लॉ ऑफिसर आया था कर्नल, वो अपनी क्या दलील दे रहा है बताए कोर्ट में जज के सामने, बोला ये नायब अपने वकील को बोला ये नायब तो बोला यूट्यूब चलाता है, बताओ यूट्यूब में वायरल करता है, अरे कौन सा हम ऐसी चीज बता रहे कि असम राइफल में इतने हथियार है या असम राइफल में ये है, ये देशी सुरक्षा काम कोई बता दें, तुम गलत काम कर रहे हो उसको हम वायरल करेंगे ना, तो ये चीजें बताने वाली चीजें ऐसे आदमी को भेज रहे हैं कि बोला इसका यूट्यूब से बंद करो, कोर्ट में करा दिल्ली हाई कोर्ट का तो ज्यादा में कहते हैं मैं आप लोगों को समय देख लूंगा ज्यादा क्योंकि दूर दूर से आए हो, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको दी जा रहा हूँ साहब, संगठन को यहाँ पर जो भी साहब लोग काम कर रहे हो उसको मजबूत कीजिएगा और लोगों को बताना जरूर भाई शामिल हो जाएगा,
600 रुपये मुझे हमारी माता देने का जो विरोध है उनका तो कोई फीस नहीं है और बाकी को शामिल करेगा। एक आदमी का 10 आदमी को जोड़ता है, एक आदमी अगर 10 आदमी को जोड़कर बढ़ाओ ये हमारी ताकत कहां जाएगी। और संगठन में आदमी को देख के ही सब डरते हैं, अकेले को देख के कोई नहीं डरता है। तभी लोग हमें पूछेंगे साहब ने बताया मैं दिल्ली के चक्कर में आ ये अजय भट्ट फजय भट्ट यानी अभी बलोनी जी इनके कर दो सबके चक्कर में आ सको खंडूरी साहब के घर जा सको खंडूरी साहब के दिल्ली में बड़े इनके मंदिर जा सकते मुझे मक्खा वक्खा दे रहा है सारे चक्कर। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम जरूर कीजिए। आप कि जो भी आपके संपर्क में होता है, आपके संपर्क में बिहार का आदमी हो, आपका संपर्क मद्रास का हो, आपका संपर्क उड़ीसा का हो, आप मुझे एक बार बताओ, आपने सेक्रेटरी को बताना या मुझे बताना भाई ये नंबर भेज रहा हूँ ये फलानी जगह का है सामने करना है इसको मेंबरशिप दिलाना है। वो मेरा काम है कि मैं कैसे उसको सेटल करूंगा कहाँ से मेंबरशिप दिलाऊंगा मेरा काम है। आपका काम है सिर्फ उसको मोटिवेट करना उसका नंबर मुझको पहुंचा दे इतना कर लेना। अब मैं आपकी बिना वाणी को विराम करता हूँ उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ नायक साहब का वीडियो। आज आत्मनिर्भर के बारे में सभी जानते होंगे, आज आत्मनिर्भर के बराबर कोई फोर्स है कि मैं अभी 73 से आसाम में फैला हूँ और कई आदमी हम चलाए कई आदमी हम सब गए यहाँ तक बिजनेस टेक लाए और गए वो आते हैं अपना जो है टाइम पास के बीच ले जाते हैं। मैं उस लायक हूँ नहीं, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ एसोसिएशन का, कोशिश यही करनी है कि इस संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि संगठन मजबूत होगा परिवार मजबूत होगा हमारा एसोसिएशन जो एक अच्छा कार्य कर रहा है। जितने ज्यादा सदस्य इसमें जुड़ेंगे उतना ज्यादा संगठन मजबूत होगा। उस पहचान को में मिलाना चाहते हैं, एक असम रेफल के जवानों ने अपना खून पसीना करके अपनी फोर्स को काफी ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक एक करके हमसे वो सुविधाएं छीनी जा रही हैं। आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा कि हमारे इस परिवार को कोई आंच आए। हम सभी ने मिलके अपने इस परिवार को बचाना है। बचाना कैसे है, संगठन को मजबूत करें। संगठन मजबूत होगा हम आगे की अपनी पूरी सुविधाएं जो हमसे एक एक करके छीनी जा रही हैं उन सबको दोबारा से अपने असम राइफल में वापस लाने की कोशिश करेंगे। श्रीमती माया देवी श्रीमती उमा देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना जो भी सहयोग के साथ हो रही है वो भी उपाय हम भी करेंगे और आपका अपना कॉलेज का हमने बताया जितना साहब लोग ने बताया आप लोगों ने एकजुट करने का महिलाओं का तो ज्यादा रोल होता है मतलब महिलाएं कहीं पर होंगी तो भेदारे को जो सम्मानित किया गया हमें जो है बहुत खुशी है कि आपने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया और इसी प्रकार से आगे भी जो है आप अपना सहयोग करते हैं। अच्छा जो आज की ये मीटिंग थी ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में तो इस मीटिंग में कम से 60 ही आदमी आ रखे हैं यहाँ पर 60 ही आदमी का मैं व्यू लेता हूँ तो लोग उनसे साहब लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो वर्तमान डीजी हमारा पीसी नायर जो वर्तमान डीजी है तो वो अपने पोस्टिंग जाने से पहले असम राइफल के का इतिहास किस गर्त में डाल गया उसके बारे में लोगों से पूछा उनका क्या कहना है। साहब आप बताइए ये डीजी साहब ने जो सेना मेडल बंद किया है हमारे असम राइफल जवानों के लिए बोला असम राइफल को सेना मेडल नहीं मिलेगा 2022 से बंद करवा दिया तो क्या सही है ये तो क्या करना चाहेंगे आप लोग इसके अगेंस्ट में हो कैसे करो बोलो ना कुछ डीजी नायर हाय हाय डीजी नायर हाय हाय डीजी नायर हाय हाय डीजी नायर हाय हाय डीजी
हाय डीजी नायर हाय हाय डीजी नायर हाय हाय डीजी नायर हाय हाय सेना मेडल मिलना चाहिए सेना मेडल मिलना चाहिए सेना मेडल मिलना चाहिए हमारे अधिकार मिलना चाहिए हमारे अधिकार मिलना चाहिए सेना मेडल मिलना चाहिए हमारे अधिकार मिलना चाहिए डीजी नायर हाय हाय